ओके मेरी आवाज आ रही है हम आपको प्रॉपर भोजन गेस भोजन गेस आपको मेरी आवाज अच्छा ठीक है ओके नाउ तो मैंने क्या किया बी की वेलोसिटी निकाल के ए को ट्रांसफर कर दिया और बी को रोक दिया लेकिन जब बी को मैं बी की वेलोसिटी ए को ट्रांसफर करूंगा ना तो सेम डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं कर सकते आपको 180 पे रोटेट करके तब ट्रांसफर करना पड़ेगा तो मैंने बी को रोका बी की वेलोसिटी निकाली ए को ट्रांसफर किया रोटेट करके ए को लगा दिया तो बी को तो रोक दिया अब ए के पास कितनी वेलोसिटी आ गई अब ए के पास दो वेलोसिटी आ गई अब ए की वेलोसिटी क्या बनेगी जो राइट वाला है प्लस जो लेफ्ट वाला है माइनस राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी ये ट्रिक कभी गलत नहीं होती ये अनऑफिशियल तरीका कभी गलत नहीं होता तुमको क्या करना है अगर एक कार की वेलोसिटी दूसरे कार के रिस्पेक्ट में पूछे तो तुम क्या करना पहले वाले को रोक देना जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको रोक देना और उसकी वेलोसिटी दूसरे को ट्रांसफर कर दो लेकिन सेम डायरेक्शन में करके ट्रांसफर मत करना 180 पे रोटेट करके ट्रांसफर करना ये ट्रिक होती है तो एक वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगी ए राइट की तरफ है बी लेफ्ट की तरफ है तो अल्टीमेटली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी ए माइनस बी बी अच्छा फिर से करते हैं दोबारा फिर से ट्रिक अपनाते हैं जी अगर सपोज कर लो दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती देन दोनों कार अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती देन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो देन तो ये वेलोसिटी ऑफ बी ये वेलोसिटी ऑफ ए फिर से वही क्वेश्चन वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी फिर से तुम वही करो बी को रोक देते हैं सर फिर वेलोसिटी ए के डायरेक्शन में ही जाएगी ना हाँ यस बी को रोक देते हैं फिर उसको उसको इन्वर्ट करके ए के डायरेक्शन में डाल देते हैं तो पहले ए का वेलोसिटी इधर था जब बी का वेलोसिटी इसको देंगे तो इन्वर्ट करके देंगे फिर अब तुम देखो ध्यान से अब इसके बाद दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो गई अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी ए प्लस वी बी ये बात समझ में आया इजिकली तो ये ट्रिक कभी गलत नहीं होती ये ट्रिक कभी भी तुमसे गलत नहीं होगी तो आगे से ध्यान रखना सर ने सिखाया था कि अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी तो एक को रोकना पड़ता है मुझे अगर दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो उस एक को रोक के उसकी वेलोसिटी दूसरे को ट्रांसफर कर दो सर आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है आवाज फिर खराब आने लगी अच्छा मैं चेक कर लेता हूं सबको खराब आ रही है आवाज अच्छा नहीं सर अभी ठीक आ रही है ना सर अच्छा ठीक है एक बार चेक करो बेटा अपना नेट ठीक है सर फिर से एक्सप्लेन करो ना सर प्लीज अच्छा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ सी यार एक्चुअली अच्छा लेट मी टेल यू एक्चुअली जो हमने ये वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी बताया था ना ठीक है बैच टू और थ्री ने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुनो एक्चुअली ये वेक्टर होता है एक्चुअली इट्स अ वेक्टर वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ये वेक्टर होता है डोंट वरी थर्ड और फोर्थ बैच सेकंड और थर्ड बैच में नहीं पढ़ा इसलिए मैंने नहीं बताया था इसको ये वेक्टर होता है वेक्टर मतलब यू टेक द डायरेक्शन आपको डायरेक्शन लेना पड़ेगा आप कहेंगे मैं डायरेक्शन कैसे लूंगा सी यार तो अब यहाँ पे डायरेक्शन को कंसिडर करते हैं एक्चुअली वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन माइनस करना मैं दोनों पे आता हूँ वेट उस पर भी समझाऊंगा वेट तो मैंने आपको तरीका बताया कि एक तरीका ये भी है अनऑफिशियल तरीका है कि अगर दो कार सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तुम्हें एक को रोकना है तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट तो बी भी मूव कर रहा है ए भी मूव कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ बी को रोक देता हूँ बी को रोकने के बाद बी की वेलोसिटी ए को ट्रांसफर कर दो मतलब उसको डिटैच करो निकाल के ए को ट्रांसफर कर दो लेकिन ए को जब बी की वेलोसिटी निकाल के ए को ट्रांसफर करोगे ना तो सेम डायरेक्शन में करके मत करना उसको इन्वर्ट करके ट्रांसफर करना तो अगर बी राइट की तरफ है उसको इन्वर्ट करोगे तो किधर चला जाएगा वो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा और ए को ट्रांसफर कर दिया और बी को रोक दिया हमने तो बी की वेलोसिटी ए को ट्रांसफर किया इन्वर्ट करके दे दिया
अब ए के पास कितनी वेलोसिटी आ गई, दो, एक राइट एक लेफ्ट, राइट लेफ्ट साइन कन्वेंशन, राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, तो क्या हो गया वी ए माइनस वी बी। अच्छा दूसरा देखो, अगर ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता फिर तुमको सेम क्वेश्चन में पूछता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, बी को रोक दो, बी की वेलोसिटी ए को ट्रांसफर कर दो, लेकिन सेम डायरेक्शन में मत करना, इन्वर्ट करके ट्रांसफर करना, इन्वर्ट करके ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, बी और ए तो सेम डायरेक्शन में आ गए, दिस टाइम दे विल ऐड अप, अब तो ये ऐड हो गए आपकी, ये क्या हो रहा है, यहां तो सब्ट्रैक्ट हो रहा था ये तो ऐड हो गया एकदम से, तो लिसन प्रॉपरली, बच्चे कुछ इस तरह से भी याद करते हैं क्या, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जानते हो क्या होता है, माइनस हो जाती है, उनकी रिलेटिव वेलोसिटी माइनस हो जाती है, मतलब डिफरेंस, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनको सम हो जाता है, ये ध्यान रखता है। तो आप इस तरह से भी आए, वन डायमेंशनल को बहुत मुश्किल नहीं होता है, ये ट्रिक याद करना नंबर वन। नंबर टू, सर ने बताया था सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाती है और अपोजिट डायरेक्शन में एडअप हो जाती है, ये तो एक तरीका हुआ अनऑफिशियल, ये सब ठीक है। फिर वापस आते हैं, एक्चुअली आप कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी को तो आपने फॉर्मूला वेक्टर वाला बताया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए वर्सेस ब्रेकिंग, स्टिल ओके जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी चेंज द नेट अगेन, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी, जस्ट नाउ यू गेटिंग माई वॉइस क्लियर, बॉयज एंड गर्ल्स आर यू गेटिंग माई वॉइस, यस सर, ओके, वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी होता है, जस्ट सी, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है तो दोनों को प्लस ले लेंगे, तो ये क्या हो जाता है वी ए माइनस बी बी, लेकिन अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो राइट वाला होगा उसको प्लस ले लेंगे, जो लेफ्ट वाला होगा उसको माइनस ले लेंगे, साइन कन्वेंशन राइट वाला प्लस लेफ्ट वाला माइनस, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वी ए प्लस वी बी हो जाएगा, इसका मतलब जीरो डिग्री, जीरो डिग्री में, जीरो डिग्री मतलब दोनों का सेम डायरेक्शन, दे विल सब्ट्रैक्ट, 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब अपोजिट डायरेक्शन, दे विल ऐड अप, ऐसे याद करो, नहीं तो समझ में आता है कुछ, मत समझ में आया तो ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है, नहीं समझ में आया तो भी याद रखना, सर ने बोला था अगर एक को रोक के दूसरे उसकी वेलोसिटी दूसरे को ट्रांसफर कर दो तो भी मिल जाती है, तो मैंने हर तरीके से बताने की कोशिश की है, कुछ ऑफिशियल तरीका है, अनऑफिशियल तरीका है, कुछ रटने वाली बात हो गई कि सेम डायरेक्शन में डिफरेंस कर दो और अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दो, कॉपी ऑन दिस वन, कॉपी कर लो इसको, यू हैव टू कॉपी फ्रॉम हियर ना, कॉपी फ्रॉम हियर, लिंक चेंज कर लेते हैं उसके बाद लिखो, जस्ट कॉल चेंज द लिंक, यस आई एम, हाँ